1956 में इंडिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर और 1966 में होमी बाबा की सस्पिशियस डेथ के बारे में हम पहले के वीडियोस में बात कर चुके हैं। इसके बाद यूएस के न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के प्रेशर में इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ स्लो हो गया। यूरेनियम मिलना बेहद मुश्किल हो गया था और इसीलिए 1969 में साइंटिस्ट पी के इयंगर और उनकी टीम को सोवियत यूनियन भेजा गया और प्लूटोनियम फ्यूल्ड पल्स्ड फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी भारत लाई गई और न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से तेजी पकड़ी। 1971 में पाकिस्तान वॉर के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम के प्रति पॉलिटिकल विल और फंडिंग सपोर्ट और भी बढ़ गया और इंडियन साइंटिस्ट ने सिर्फ 3 साल में न सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, पोखरण में टेस्टिंग साइट भी डेवलप कर ली। टेस्ट डेट स्ट्रेटेजिकली चूज की गई 18 मई 1974 यानी बुद्ध पूर्णिमा, ताकि ये मैसेज जा सके कि इंडिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ एज अ डेटरेंट शांति बनाए रखने के लिए है।